दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा होता है जब देखिएगा इस तरीके की कंट्री जो देखिएगा एक दूसरे को पसंद ना करती हूँ और वो एक दूसरे के लिए सपोर्ट में आ जाएं, और वो भी तब आ जाएं जब देखिएगा वर्ल्ड लेवल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। तो आपको बताया था मैंने दो दिन पहले कि देखिएगा इस्लामिक नेशंस की मीटिंग बुलाई गई है, और मीटिंग बुलाने के बाद इस्लामिक नेशन में टोटल अगर आप कंट्रीज देखोगे तो 57 कंट्रीज हैं, जिसमें दो गुट बने हुए हैं, एक गुट जो सऊदी अरेबिया को फॉलो करता है और एक गुट जो ईरान को फॉलो करता है। दोनों कंट्री क्या कर चाहती हैं कि पूरे इस्लामिक नेशंस या फिर मिडिल ईस्ट में अपने आप को टॉप लीडर बनाना चाहती हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहती हैं। इसीलिए ईरान देखेगा बहुत तरीकों से वेपन पे वर्क कर रहा है और काफ़ी कामयाब भी हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब देखिएगा अलग तरीके से डिप्लोमेटिक मैनर में सबके साथ चलाते हुए, सबके साथ अपनी बात रखते हुए अगर आप देखेंगे बिजनेस को ग्रो करा रहा है सऊदी अरेबिया में। तो ऐसे में ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या पर पहली बार सऊदी अरब ने तोड़ी चिप्पी। तो अगर आप देखेंगे कि ईरान और सऊदी अरब की अगर आप देखेंगे तो एज सच, चूंकि दोनों ही लीडर बनना चाहते हैं, एज सच कोई बनती नहीं है, लेकिन पहली बार अगर आप देखेंगे इसराइल के मैटर पर उन्होंने अपनी बात रखी है, जो कि बहुत बड़ी है, जो कि दो घंटे पहले आई है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद एक और आउटकम आया है जिससे स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा बच के रहना है। तो आप देख सकते हैं तेहरान हमास चीफ हानिया की देखिएगा यहाँ पे हत्या के बाद लगातार कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो एक बात चल रही थी कि इतने बड़े लीडर इतनी देखिएगा सिक्योर जगह पे हों, ईरान जैसी कंट्री में हों, और वहाँ पे इसराइल जाके देखिएगा इतने बड़े लीडर को अगर ख़त्म कर सकता है तो ऐसे में ईरान किस तरीके से लीडर बनेगा पूरे गल्फ नेशन का। तो हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या पर सऊदी अरब ने ये जाना है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ देखेगा ईरान की संप्रभुता पर घोर उल्लंघन करती है। OIC ने इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इसराइल को ठहराया है जिम्मेदार, और आपको पता है कि यहाँ पे एक दो कंट्री नहीं है, मल्टीपल कंट्री हैं, लेकिन मल्टीपल कंट्री के साथ इसराइल के साथ कौन खड़ा है? US, जो वर्ल्ड की सुपर पावर है। कौन है? सुपर पावर है। तो आपको भी पता है कि सुपर पावर से टकराने का खतरा सबको ही होता है, लेकिन तब भी अगर सऊदी अरब ने यहाँ पे प्रतिक्रिया दे दी है, जहाँ पे देखिएगा उस कंट्री से उनके भी काफ़ी अच्छे दोस्ताना संबंध हैं, तो ऐसे में ये चीज़ें देखिएगा ईरान को और सपोर्टिव चली गई। और जब वो सपोर्टिव जाएंगी तो आपको पता है कि ईरान और एग्रेसिव होगा, जिस पे उन्होंने दो घंटे देखिएगा पहले एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा OEC यानी कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने गलत माना है कि इसराइल ने ईरान में जाकर इतना बड़ा देखिएगा ये जो कारनामा किया है ये एकदम टोटली गलत है। तो इसका मतलब OEC नेशंस एक दूसरे को देखिएगा सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान के भी साथ खड़े हुए हैं। अब OEC नेशन कोई कम नेशन तो है नहीं, बहुत सारे नेशन हैं, और ईरान ने कही इसराइल से रक्षा की बात। तो अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ईरान इसराइल को कभी ना पसंद करता था ना कर पाएगा। ऐसे में ईरान ने दो घंटे पहले देखिएगा क्या करा है, ईरान ने तैनात किया एकदम नया हथियार, इसराइल अमेरिका के हवाई हमलों को हवा में करेगा नष्ट। यानी कि जो जितने भी इसराइल के पास आपको पता है कि बहुत बड़ा एक ड्रोन प्रोटेक्टर है कि वो जितने भी ड्रोन फेंके जाएंगे तो हवा में ही देखिएगा ख़त्म कर देता है उसको। तो ईरान देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है आफ्टर दिस पर्टिकुलर मीटिंग आउटकम कि वो बिलीव करता है कि उसको रिकंसीडर करना चाहिए अट्रैक ऑन इसराइल। जबकि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट क्यों भागा था, स्टॉक मार्केट भागा था तीन दिन पहले जब ईरान ने कहा था कि हम वॉर नहीं करेंगे, ऑल आउट वॉर नहीं करेंगे, स्केलेट नहीं करेंगे, बट इसराइल को पनिश करेंगे। तब से अब तक देखिएगा कोई स्टॉक मार्केट में बहुत स्टेबिलिटी नहीं आ गई है, लेकिन अब ईरान ने वही बात शुरू कर दी है जो उसने पहले मना की थी। पहले उन्होंने अटैक के लिए मना किया था, डायरेक्ट अटैक के लिए मना कर दिया था, वॉर के लिए मना कर दिया था। अब वो ये कह रहे हैं, टाइम्स ऑफ इसराइल में जाके आप देख सकते हैं रिपोर्ट पूरी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईरान बिलीव्ड टू बी रिकंसीडरिंग अटैक ऑन इसराइल। तो अगर ऐसा यहाँ पे रिकंसीडर हो रहा है तो यूएस ऑफिशियल भी यहाँ पे अग्रेसिव होंगे, स्टेटमेंट देंगे, वो थोड़ी सी इंसल्ट भी करेंगे ईरान की। बाइडन तो बार बार कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि ईरान कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, एस्केलेट नहीं करना चाहिए, हम तैनात हैं, उन्होंने तो पूरी सेना भी खड़ी कर दी है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग हो सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फोकस करके रखिएगा। आउटकम एनी टाइम रात को भी आ सकता है, तो इसलिए आप भी गूगल करते रहिएगा। राम राम।